परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदि वंदना वंदे वंदे गुरु वरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिने। आज हम परीक्षा ध्यान चार चरण का अभ्यास करने जा रहे हैं। ध्यान की पूर्व तैयारी, सावधान, आसन का चयन करें, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो उस आसन का चयन कर लें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। जरूरत पड़ने पर धीरे से आसन बदला भी जा सकता है। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। तीन बार महाप्राण ध्वनि, ध्येय सूत्र संपेक्खाई अपगमा
आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सव, शरीर को स्थिर शिथिल और तनाव मुक्त करें, शरीर की पकड़ को छोड़ दें, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें, पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर, शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं, काय गुप्ति। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा। शिथिल शिथिल हो रहा।
पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें, पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। कायोत्सव की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित करें। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का हिस्सा। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए धीरे धीरे सुषुम्ना मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लेकर आए। सुषुम्ना मार्ग रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी, उस मार्ग से चित्त को ऊपर की ओर लेते हुए ज्ञान केंद्र तक लाएं। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग जिसे ज्ञान केंद्र कहा गया है, चित्त को वहां तक लेकर आ जाएं। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात वापस उसी मार्ग से चित्त को नीचे की ओर लाते हुए शक्ति केंद्र तक लेकर आए। चित्त की यात्रा चले शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त की गति के साथ श्वास की गति को जोड़ देना है। चित्त को ऊपर लेकर जाते समय श्वास छोड़ते हुए ऊपर लेकर जाएं। श्वास भरते हुए चित्त को वापस नीचे लाएं। चित्त ऊपर, पेट अंदर, श्वास बाहर।
चित्त नीचे, पेट बाहर, श्वास अंदर। ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन में जिस तरह रबड़ का गोला संकुचित होता है, पारा ऊपर आता है, गोला फूलता है, पारा नीचे आता है, ठीक उसी तरह चित्त ऊपर, पेट अंदर। चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त ऊपर, पेट अंदर। चित्त नीचे, पेट बाहर। चित्त और श्वास की गति साथ साथ चलती रहे। सुषुम्ना मार्ग से चित्त की यात्रा चल रही है। पूरी चेतना को सुषुम्ना मार्ग पर समेट लें। सुषुम्ना मार्ग पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। शक्ति का उर्ध्वारोहण, शक्ति केंद्र, शक्ति का भंडार अनुभव करें। शक्ति केंद्र से चित्त के साथ साथ शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। शक्ति केंद्र से शक्ति पुंज ऊपर की ओर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर आने के पश्चात शक्ति पुंज को वहीं संचित करते हुए खाली चित्त नीचे आ रहा है, जिस तरह कुएं से पानी भरकर बाल्टी ऊपर आती है, ऊपर आने के पश्चात पानी को खाली करती है और खाली बाल्टी वापस नीचे या अंदर जाती है, ठीक उसी तरह चित्त के साथ शक्ति पुंज ऊपर आ रहे हैं। ज्ञान केंद्र पर शक्ति पुंज को संचित करते हुए खाली चित्त नीचे जा रहा है। चित्त को ऊपर लाते समय मूल बंद लगाते हुए शक्ति का संप्रेषण ऊपर की ओर करें। मूल बंद खोलते हुए चित्त को वापस नीचे ले आए। मूल बंद लगाते हुए चित्त ऊपर, मूल बंद खोलते हुए चित्त नीचे। ध्यान का तीसरा चरण, अगला चरण, तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा करें, लंबा श्वास भरे और लंबा श्वास छोड़े।
श्वास की गति को और मंद करें, मंद गति लयबद्ध श्वास। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगा। श्वास के स्पंदन नाभि तक पहुंचे, श्वास भरते समय पेट फूल रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट सिकुड़ रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है, श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दे और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को अनुभव करते रहे, देखते रहे। केवल पेट को देखते रहना है, पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की क्रिया को देखते रहे, अनुभव करते रहे। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें, पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया भी निरंतर जो चल रही है चलती रहे। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर ले आए चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर सजग प्रहरी की भांति, चौकीदार की भांति बैठा देवे और प्रत्येक आते और जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहे। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। लंबा श्वास आ रहा है,
जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। आ रहा है, जा रहा है। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। कोई भी श्वास बिना जानकारी के ना अंदर आए ना बाहर जाए। संधि स्थल पर श्वास का स्पर्श महसूस करें। श्वास भरते समय संधि स्थल पर हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय नथनों के अंदर हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास करें। श्वास भरने के बाद थोड़ी देर श्वास को अंदर रोकें और श्वास छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाहर रोकें। अंतकुंभक और बाह्य कुंभक का अभ्यास। किसी भी तरह के अगर विचार आ रहे हो तो उन्हें रोकने का प्रयास ना करें। विचारों को आने दें, केवल उन्हें दृष्टा भाव से देखें और जाने दें। रोकने का प्रयास ना करें। खेसरी मुद्रा का अभ्यास। जिह्वा को पलटते हुए तालू से चिपका लें और जिह्वा के अग्रभाग पर चित्त को केंद्रित कर दें। जिह्वा पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करना प्रारंभ करें। विचारों का आना धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा। ध्यान का अगला चरण, चौथा चरण, ज्योति केंद्र प्रेक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान अनुभव करें। ललाट के बीचों बीच सफेद रंग की गोल बिंदी लगी हुई है। आईने के सामने बैठे हैं, आईने में उस सफेद बिंदी को देखने का प्रयास करें।
ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी देखने का प्रयास। ललाट के बीचों बीच सफेद गोल बिंदी दिखाई दे रही है। बिंदी की चमक बढ़ रही है, चमकीला सफेद रंग उभर रहा है। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर रहा है। पूर्णिमा के चांद के समान या मरकरी के बल्ब के समान चमकता हुआ सफेद रंग। ललाट के बीचों बीच चमकता हुआ सफेद रंग उभर आया है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। अनुभव करें, श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से चारों ओर फैल रही है। श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश कर रही है। अनुभव करें, टॉर्च के प्रकाश के समान सीधी रेखा में श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र से ललाट के अंदर प्रवेश करती हुई पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। श्वेत रश्मियां पीनियल ग्लैंड तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड हमारे सारे संवेगों को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। श्वेत रश्मियां वहां तक पहुंच रही है। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत हो रही है। क्रोध शांत वासनाएं शांत। क्रोध, आवेग, आवेश और वासनाएं शांत होती जा रही। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें, श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। श्वेत परमाणु ललाट के अंदर तक फैलते जा रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, बाहर से भी अंदर से भी। केवल सफेद रंग, ओनली व्हाइट।
सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, केवल सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें, परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। शरीर को पूरी तरह से स्थिर करते हुए गहरे आनंद का अनुभव। चारों ओर उजाला और प्रकाश और गहरे आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र, अपना सच में से मैं भुए सुपय, स्वयं सत्य खोजे सबके साथ मैत्री करें। आहंसु विज्जा चरणम पमोखम, दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र, आंखों को बंद रखते हुए बंदनासन में आए, बंदनासन में आते हुए तीन बार सत्य की वंदना। वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्। ध्यान का प्रयोग संपन्न, धीरे से आंखें खोलें और आसन बदलते हुए आराम से सुखासन में आ जाएं, सुखासन में बैठे। ध्यान के चार चरणों का अभ्यास अभी हमने किया, प्रारंभिक चार चरण। ये चार चरण हमारे जब सज जाए उसके बाद हम दूसरे चरणों का अभ्यास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चरण है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, श्वास को लंबा
लेना, लंबा छोड़ना, श्वास को देखना। श्वास को देखते देखते ये हमने अंदर भीतर प्रवेश कर सकेंगे। तो श्वास जितना लंबा होगा, जितना मंद होगा, और पूरा ध्यान आपका श्वास पे रहेगा, तो आप अंतर्मुखी बन पाएंगे। इसलिए दीर्घ श्वास प्रक्रिया का प्रयोग आपको नियमित करना चाहिए। जब कभी भी आप खाली बैठे हो, कोई काम नहीं है, खाली पीली बैठे हो, लंबा श्वास भरो, लंबा श्वास छोड़ो, लंबा श्वास भरो, और आंखें बंद करते हुए पेट को देखो। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है, श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। इस प्रक्रिया का अभ्यास आप कभी भी कर सकते हो।